गूगल सर्च हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम इस बात का अंदाज़ा उसी बात से लगा सकते हैं कि लाइक हमको कोई नई चीज़ खोजना हो या फिर अपने वीडियो या फिर ब्लॉग के बारे में कोई भी चीज़ या कोई भी आर्टिकल पढ़ना हो तो हम लोग डायरेक्ट इसके पास जाते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट की अगर बात करते हैं तो सिर्फ इंडिया में 70 करोड़ के आसपास एक्टिव यूज़र्स है जो कि इंटरनेट पे कुछ ना कुछ चीज़ें सर्च करते रहते हैं, खासकर गूगल पे सर्च की जाती है ऐसी चीज़ें। तो चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो या फिर ट्रेवलिंग हो, उस वक्त हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सर्च करते हैं इंटरनेट पे, खासकर गूगल के ज़रिए। तो अक्सर होता क्या है, हम लोग गूगल सर्च में जाकर के कुछ ऐसी चीज़ें भी सर्च कर लेते हैं जो हमको बाद में भारी पड़ जाती है। इसमें ना ही कोई सनी लियोनी की वीडियो है, ना ही किसी तरीके की पोर्न वेबसाइट है। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आप गूगल पे सर्च ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बाद में वो चीज़ें भारी पड़ सकती है, आपका भंटाधार हो सकता है। सो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनर इंडिया। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। पहली चीज़ आती है कस्टमर केयर नंबर। लोग किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदते हैं, खुशी खुशी खरीद लेते हैं, अपने घर पे लाके उसकी पूजा पाठ जो भी करना करते हैं, लेकिन बाद में जब वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो याद आती है कस्टमर केयर नंबर की। तो अक्सर होता क्या है, लोगों को पता नहीं रहता है कि प्रोडक्ट के पीछे ही उसके जो सीरियल नंबर रहता है उसी के आसपास में कई कस्टमर केयर नंबर, हेल्पलाइन नंबर होता है, लेकिन फिर भी लोग अक्सर गूगल का यूज़ करते हैं, गूगल पे सर्च मारते हैं उस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर, तो यहीं पे उनका बंटाधार हो जाता है। साइबर क्राइम को बढ़ावा देने वाले हैकर्स अक्सर क्या करते हैं, कंपनी की एक नकली या फिर जिसको बोल सकते हैं हम लोग फेक हेल्पलाइन नंबर बनाते हैं और उसको गूगल सर्च पे फ्लोट कर देते हैं। अब उस नंबर को वहाँ से निकालते हैं और उस नंबर पे कॉल करते हैं, तो आपका नंबर हैकर के पास में चला जाता है और फिर हैकर आपको दोबारा कॉल करते हैं और यहाँ पे फ्रॉड हो जाता है। सिम कार्ड स्वैप जैसी जो इंसिडेंट होती थी, अभी बहुत चली वो मार्केट में, ऐसी घटनाएँ आपके साथ में घटित हो सकती है। दूसरी चीज़ आती है ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज। हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन का यूज़ करके डिजिटल होते जा रहे हैं, मतलब एक डिजिटल इंडिया का निर्माण हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर हमको कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड काम करना है तो वो काम भी हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, गूगल सर्च पे जाते हैं और जो बैंक की वेबसाइट होती है उसको हम गूगल पे सर्च करते हैं। हैकर्स गलत हेल्पलाइन नंबर की तरह ही वेबसाइट का जो गलत URL होता है वो गूगल सर्च पे फ्लोट कर देते हैं और असली वेबसाइट का क्लोन बना लेते हैं। ऐसे में जब भी आपको किसी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ करना हो तो आप डायरेक्ट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। ये चीज़ आपको बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासबुक पे आराम से देखने को मिल जाएगी। तीसरी चीज़ है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। मतलब ये है कि हम लोग जब भी बीमार पड़ते हैं तो हम लोग डायरेक्ट जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, हम लोग उस बीमारी के लक्षणों को गूगल पे सर्च करते हैं जो हमारे लिए बाद में काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है। सो जब भी बीमार पड़ो 2-3 किलोमीटर अपनी गाड़ी को दौड़ाओ, अपना पेट्रोल खर्च करो और डॉक्टर के पास में जाकर के कंसल्ट करो। गूगल पे आपको सही जानकारियाँ नहीं मिलती है, गूगल पे वही जानकारियाँ आपको मिलती है जो उस पे ऐड की जाती है। तो अगर मेडिकल है या फिर बीमारी की स्थिति है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, गूगल पे सर्च ना करें। ये बात सिर्फ मैंने मेडिकल चीज़ों के लिए बोली है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि गूगल पे आपको सर्च नहीं करनी चाहिए, मैं उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, मैं गूगल को यहाँ पे गलत साबित नहीं कर रहा हूँ। चौथी चीज़ आती है एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। हम लोग कई बार अपने स्मार्टफोन में या फिर लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में ऐसे फिशिंग एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को, जिसको हम लोग अगर बात करते हैं ऐसी सामान्य भाषा में तो उसको हम लोग मोड APK बोलते हैं या फिर करेक्ट वर्जन बोलते हैं, हम लोग इंस्टॉल तो कर लेते हैं लेकिन बाद में उससे हमारे डिवाइस को हानि पहुंचती है या फिर उससे हमारा जो डिवाइस होता है वो डैमेज होता है। इसलिए जब भी कोई ऐप डाउनलोड करना है आपको तो मोड APK की जगह आप गूगल प्ले पे जाइए, आपको ढेर सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो उस सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के उस चीज़ को डाउनलोड करें। 5वीं चीज़ आती है गवर्नमेंट वेबसाइट। इन दिनों हैकर्स गवर्नमेंट वेबसाइट का भी क्लोन बना रहे, मतलब उस पोर्टल को डुप्लीकेट बना करके प्रमोट कर रहे। तो ऐसे में होता क्या है, कई सारे यूज़र्स उस फेक वेबसाइट पे चले जाते हैं और
बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो कभी भी अगर आप कभी भी वेबसाइट सर्च मारे, किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट को सर्च मारे गूगल पे, तो आपको उस वेबसाइट के आखिरी में government.nic.in लिखा रहता है, तो आप उसी पर जाकर के क्लिक करें, ना कि किसी फर्जी वेबसाइट पे चले जाए। ये थी ऐसी पांच चीज़ें जो कि आपको गूगल पे सर्च नहीं करनी चाहिए। आप में से कई लोग ये बोल रहे होंगे कि इन पांच चीज़ों में से तो हम लोग कई सारी चीज़ें गूगल पे डेली सर्च करते, तो लेकिन आपको इसका जो रिज़ल्ट है तुरंत नहीं मिलता है, कुछ दिनों के बाद मिलेगा या कुछ समय के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो पहले से सचेत हो जाओ ना, बाद में क्यों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको सिक्योरिटी टिप्स या फिर बोल लो टेक्निकल टिप्स या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर तरीके की खबर और रिव्यूज़ कंपेरिजन देखने को मिली जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक।